Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial. In this video, we will be talking about a suitable boy. जो ये work है a suitable boy, आप लोग जानते हैं कि ये लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा. विक्रम सेठ इंडियन नॉवलिस्ट हैं और साथ ही साथ पोइट भी हैं. उनका जो जन्म हुआ था वो 20 जून 1952 को हुआ था. यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि जो ईयर होता है, उनका बर्थ ईयर होता है, इसे याद करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप लोग इसे राइटर के साथ में ही बार बार बोलने की आदत डाल दें. जैसे कि आप बोलेंगे विक्रम सेठ 52. अब मैंने किसे कैसे इसे याद किया था कि विक्रम सेठ 52 केजी वेट, इस तरह से मैंने याद कर लिया था इसे 52 केजी वेट. तो आप लोग इसी तरह से याद कर सकते हैं. तो आप लोगों को याद रहेगा कि 1952 में इनका जन्म हुआ था. He got some awards like साहित्य अकादमी अवार्ड्स एंड पद्मश्री इन 2007. और उन्हें जो पद्मश्री मिला था वो 2007 में मिला था. तो अब आते हैं और बात करते हैं सुटेबल बॉय के बारे में. तो जब हम किसी वर्क को पढ़ते हैं तो उस वर्क में हम क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करनी होती है. एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका कैरेक्टर से. अगर आपको कैरेक्टर्स याद हैं तो आपको डेफिनेटली उस वर्क में आप एक या दो नंबर गेन कर सकते हैं. दूसरा होता है उसका पब्लिकेशन डेट, और तीसरा होता है उसकी थीम. थीम से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ इवेंट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये चारों चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे. अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस वर्क. 1400 पेजेस में इसको लिखा गया था. So let's start again. A Suitable Boy 1993, ये जो पब्लिश हुआ था वो 1993 में हुआ था, is a novel by Indian author and Stanford economist Vikram Seth. तो ये क्या थे, अपने आप में एक economist भी थे. Over 1400 pages in length, it is a family saga. और यहाँ पर क्या है, चार families के बारे में, चार elite families के बारे में क्या किया गया है, discussion किया गया है, या हम कहें कि जो story है, जो saga है, वो चार एलीट फैमिली के बारे में है, उनके सिचुएशन के बारे में है. क्रिटिक्स प्रेज्ड अ सुटेबल बॉय फॉर इट्स प्रोबिंग पैनोरामिक लुक इनटू इंडियन कल्चरल नॉर्म्स एज वेल एज इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सटायर एंड रोमांस. तो हमें इसमें सटायर एंड रोमांस भी देखने को मिलेगा, और क्रिटिक्स ने इसे कहीं ना कहीं प्रेज किया है. सेठ रिसीव्ड एन एक्सीडिंगली रेयर $1.1 million एडवांस. उन्हें $1.1 million एडवांस इस वर्क को लिखने के लिए मिल गया था. तो कितना आप लोग देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये वर्क था, और इसे 1400 पेजेस में क्या किया गया था, यू कैन सी लिखा गया था. द नॉवल टुक मोर देन अ डिकेड टू कंप्लीट. और जो है इसको लगभग 10 साल से ज़्यादा के टाइम में लिखा गया था. सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. ड्यू टू इट्स लेंथ, सोशल स्क्रूटनी एंड रियलिस्टिक स्टाइल, अ सुटेबल बॉय इज ऑफन कंपेयर टू जॉर्ज इलियट्स मिडलमार्च. तो यहाँ पर भी आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो विक्रम सेठ का वर्क है सुटेबल बॉय, वो किस राइटर के वर्क से कंपेयर किया जाता है. तो इसे कंपेयर किया जाता है आपका जॉर्ज इलियट के मिडलमार्च से, जो कि पब्लिश हुआ था 1871 में. अ सुटेबल बॉयज थीम इंक्लूड्स द पॉलिटिकल इन पर्सनल प्रेजुडिस एंड फॉरगिवनेस कॉन्फ्लिक्ट अमिडस्ट सोशल ग्रुप्स एंड फैमिलीज चेंजिंग रेशियल नॉर्म्स अनएक्सपेक्टेड वायलेंस एंड इंटर जनरेशनल कनेक्टेडनेस. तो ये सारी चीज़ें इस वर्क की थीम है, और आप लोगों को आगे जब स्टोरी हम इसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी. द नॉवल इज सेट इन अर्ली 1950s, और जो इसका बैकग्राउंड है, जब वो इसको सेट किया गया है इस वर्क को, वो किया गया है आपका 1950s के दौर में. दिस वॉज एन इवेंटफुल पीरियड फॉर इंडिया. ये एक इवेंटफुल पीरियड था इंडिया के लिए. As the country won full independence from England in 1947 and resolved several massive Hindu-Muslim conflicts and resulted in new country of Pakistan being established. तो ये जो time था, ये एक eventful time था, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी, और इसमें एक important जो है वो था Hindu-Muslim conflict, जो कि इसके background में आप लोगों को देखने को मिलेगा. तो जो place है इसका, ये यहाँ से question पूछा जाता है कि जो suitable
सुटेबल बॉय है ये विक्रम सेठ ने कौन सी जगह पर, कौन से इमेजिनरी और फिक्शनल टाउन में इसको सेट किया था? तो था आपका ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर इन इंडिया। अ सुटेबल बॉय कंसर्न्स द फॉर्च्यून एंड ट्रायल्स ऑफ फोर एलिट फैमिलीज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि फोर एलिट फैमिलीज की पूरी स्टोरी इसमें हमें देखने को मिलती है, उनमें और जो पूरी कहानी है वो कितने मंथ की होती है, ऐसी चीजें ही आप लोगों को पूछी जाती है। कितने फैमिलीज के बारे में था, फोर एलिट फैमिलीज के बारे में, कितने मंथ की स्टोरी है, ये आपकी है 18 मंथ्स की स्टोरी। इसमें कौन कौन सी फैमिलीज के बारे में है? तो पहली आपके मेहराज, दूसरा है कपूर्स, तीसरा है चटर्जीज एंड फाइनली खान्स, एंड द लास्ट बीइंग द ओनली मुस्लिम फैमिली ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे खान्स जो है वो एक मुस्लिम फैमिली भी है। इट इज स्पेशली फोकसेस ऑन द प्लाइट ऑफ 19 ईयर्स ओल्ड लता मेहरा। तो यहाँ पे मेहरा फैमिली की एक लड़की है जो जिसका नाम है लता, और उसी की लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसी पर यह स्टोरी क्या करती है, रिवॉल्व करती है। अ टैलेंटेड स्टूडेंट एट द लोकल ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी, वो एक क्या है, लोकल ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है। थोड़ा और दिस आगा, लता मस्ट डिसाइड इफ शी इज विलिंग टू मैरी द यंग मुस्लिम मैन कबीर दुरानी शी लव्स एंड दस डिफाई द पॉसिबली ऑस्ट्रिसाइज हर सेल्फ फ्रॉम हर स्टर्न वेल्दी हिंदू मदर मिसेस रूपा मेहरा। तो यहाँ पे पूरी जो कहानी है वो लता की मैरिज की है, उस वो प्यार करती है एक कबीर दुरानी को जो कि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है, और अगर वो ऐसा करती है तो अगर वो उससे मैरिज करती है तो उसे रूपा मेहरा जो उसकी मदर है उसे को क्या करना पड़ेगा, डिफाई करना पड़ेगा। नाउ वाइल अरेंज्ड मैरिजेस हैव बीन द नॉर्म अक्रॉस इंडिया फॉर डजन ऑफ जनरेशंस, इन द मोर सेकुलर एंड टॉलरेंट सोसाइटी लेड बाय जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लता इज स्टार्टिंग टू फील दैट शी कैन चूज फॉर हर सेल्फ हु हर हस्बैंड शुड बी। तो यहाँ पर क्या है, लता जो है वो सोचती है, उसे भी पता है कि कई जनरेशन से, डजन ऑफ जनरेशन से इंडिया में जो है अरेंज मैरिज का ही चलन है, ये एक नॉर्म है इंडिया में, लेकिन अब वो सोचती है कि वो अपने अपना हस्बैंड खुद से चूज कर सकती है। लता रिसेंटली सॉ हर सिस्टर सविता मैरी एन अप एंड कमिंग प्रोफेसर एट लोकल यूनिवर्सिटी। उसने देखा है कि लता ने देखा है कि उसकी जो सिस्टर है सविता, तो आपको दो तीन कैरेक्टर अभी तक पता चल गए होंगे, लता, रूपा, उसकी सिस्टर आ गई है सविता और कबीर। तो यहाँ पे वो देखती है कि कविता की क्या हुई है, शादी हुई है एक अप एंड कमिंग प्रोफेसर से, एंड हिज नेम इज प्राण कपूर। उसका नाम क्या है, प्राण कपूर है। रूपा मेहरा ब्लेस्ड दी मैरिज ओनली बिकॉज प्राण कम्स फ्रॉम अ वेल रिस्पेक्टेड एंड वेल्दी फैमिली। रूपा मेहरा जो मदर है उनकी, किसकी, सविता और लता की। तो सविता की शादी हो गई है प्राण कपूर से, तो उसने इसे ब्लेस किया है, इस शादी से वो खुश है क्योंकि रूपा मेहरा जानती है कि वो वेल्दी फैमिली से है प्राण कपूर, और वेल रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करता है। प्राइवेटली लता क्वेश्चंस वेदर द टू विल एवर बी ट्रूली ट्रूली हैप्पी एज दे वर फोर्स्ड इनटू अ मैरिज विदाउट एवर गेटिंग टू नो वन अनदर। लता को इस मैरिज पे क्या है, डाउट है, और वो सोचती है कि क्या ये सच में खुश होंगे, क्योंकि उनकी जो शादी हुई है वो बिना एक दूसरे को जाने हुई है, मींस जैसा कि अरेंज मैरिज में होता है। शी नोज दैट कबीर द मुस्लिम मैन शी लव्स इजेंट अ सुटेबल बॉय। जो कबीर है वो उसके लिए क्या नहीं है, सुटेबल बॉय नहीं है। पहला तो वो मुस्लिम है, और दूसरा वो एक इस तरह से जो कि रूपा जो है लता की मदर, जो उसके नॉर्म्स है उसमें फिट नहीं बैठता है अकॉर्डिंग टू हर मदर, एंड दैट द टू विल नेवर बी अलाउड टू वेड। स्टिल शी कांट स्टॉप फीलिंग अ ग्रेट पैशन फॉर कबीर। वो जानती है कि उसको शादी के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन वो फिर भी पैशनेट है कबीर के प्रति। ही इज इनक्रेडिबली हैंडसम एंड काइंड एंड ही हैज इनहेरिटेड ग्रेट इंटेलिजेंस फ्रॉम हिज फादर हु इज हाईली अकम्पलिश्ड इफ सोशली ग्रेसलेस मैथमेटिशियन एट द यूनिवर्सिटी। वो क्या है, उसके जो फादर है वो मैथमेटिशियन है, और जो कबीर है वो दिखने में हैंडसम है और काइंड भी है। नाउ यू विल सी द स्टोरी गोइंग।
बेटर स्टिल कबीर इज ऑल्सो स्टार ऑन यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम. तो जो कबीर है वो क्या है, अपनी क्रिकेट टीम का स्टार भी है कि यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि लता पढ़ती है. लताज ओल्डर ब्रदर अरुण इज मैरिड टू मीनाक्षी, द डॉटर ऑफ अ प्रॉस्परस मुस्लिम फैमिली. उसकी जो शादी हो जाती है अरुण की, वो किससे हो जाती है, मीनाक्षी से हो जाती है. लेकिन मीनाक्षी किससे है, एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है. बट लता इज ऑल्सो टू अवेयर दैट शी इज नॉट अफोर्डेड द सेम प्रिविलेज एज अ मैन. फॉर अ वुमेन टू चूज टू मैरी अक्रॉस रिलीजियस लाइन इज अनप्रेसिडेंटेड. अब जो प्रिविलेज है वो मैन के लिए अलग तरह से है और वुमेन के लिए या गर्ल्स के लिए अलग तरीके से है. बॉयज क्या कर सकते हैं, मुस्लिम फैमिली में शादी कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए ये अलाउ नहीं था. वन डे वन ऑफ रूपाज स्पाइस रिपोर्ट्स टू हर दैट कबीर एंड लता हैव बीन वॉकिंग अराउंड ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी इन पब्लिक. तो रूपा के जो जो लता है उसकी मदर के जो स्पाइज होते हैं वो क्या करते हैं, जाके बता देते हैं उसे कि कबीर और लता क्या कर रहे थे, घूम रहे थे यूनिवर्सिटी में. रूपा इज स्कैंडलाइज्ड एट दिस न्यूज. इफ वर्ड गॉट आउट दैट हर डॉटर कंसोर्टेड विद मुस्लिम्स, नो प्रोमिनेंट हिंदू फैमिली वुड वॉन्ट टू टॉक विद हर. अब क्या है कि वो थोड़ा इस बात से डर जाती हैं, जैसा कि यूजुअली होता है. मदर के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी जो बेटी है उसकी शादी कहीं प्रोमिनेंट फैमिली में हो. तो वो इस बात से डर जाती है, स्कैंडलाइज हो जाती है कि उसकी, अगर ये बात पता चल गई कि उसकी बेटी का रिलेशन किसी मुस्लिम से है, तो प्रोमिनेंट हिंदू फैमिली क्या नहीं करेगी, उससे बात तक नहीं करेगी. टू कीप लता अवे फ्रॉम कबीर, रूपा हेस्टली प्लान्स अ ट्रिप टू कैलकाता विच इज 100 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ ब्रह्मपुर. यहाँ पर जो लता है, लता को दूर रखने के लिए, कबीर से दूर रखने के लिए रूपा क्या करती है, एक प्लान करती है कैलकाता, कैलकाटा के लिए. और वो काफ़ी दूर है ब्रह्मपुर से. इन कैलकाटा रूपा मेहरा सेट्स हर डॉटर अप विद वेरियस हिंदू बॉयज होम शी डीम्स वर्दी ऑफ देयर कास्ट. रूपा मेहरा क्या करती है, अपनी जो बेटी है उसके लिए बहुत सारे बॉयज को या हिंदू बॉयज को लेकर आती हैं, और जिनको वो समझती हैं कि कास्ट के हिसाब से वो बेस्ट हैं. बट ऑफ ऑल दी बॉयज लताज मदर डिक्स अप आर एब्सोल्यूट डर्ट्स. वन हैज बीन सो कंडीशन बाय ब्रिटिश इंपीरियलिज्म दैट ही रेफर्स टू हिज होम टाउन ऑफ कानपुर विद एन इंग्लिश एक्सेंट. तो यहाँ पे लता लता की जो, अगर हम देखें कि लता के लिए जो भी वहाँ पे बॉयज आ रहे हैं, लता की मदर जिनको भी लेके आती है, वो क्या है, लता को सुटेबल नहीं लगते हैं. अनदर हैज सच टाइनी आइज. उसमें क्या हो रहा है कि एक जो लड़का है जो नेक्स्ट आता है उसकी आंखें बहुत छोटी हैं, एंड सच बैड टेबल मैनर्स दैट लता हार्डली कंसिडर्स हिम टू बी सिविलाइज्ड ह्यूमन. और यहाँ पे जो है लता जब उसे देखती है तो उसे, यहाँ तक कि उसे वो सिविलाइज्ड ह्यूमन भी नहीं मानती है. तो कहने का मतलब यह है कि जो भी हिंदू बॉयज लेके उसकी मदर आती हैं उसे पसंद नहीं आ रहे होते हैं. नॉट ऑल ऑफ देम आर ऑफुल. अमित चटर्जी उनमें से एक आता है, अमित चटर्जी वेल नोन पोइट एंड राइटर. वो क्या है, एक पोइट और राइटर है. गेट्स अलॉन्ग विद वेल विद दी वर्ल्डली एंड कल्चर्ड लता बट इज प्रोबेबली गे. लेकिन वो क्या होता है, वो उसे पसंद आता है लता को, बट ही इज अ गे. रूपा वुड लव इट इफ लता मैरिड अमित. और रूपा को लगता है कि मीन्स वो चाहती है, शी वॉन्ट्स लता टू मैरिड अमित, कि लता की जो शादी है वो किससे हो जाए, अमित से हो जाए. हिज फादर इज अ प्रोमिनेंट जज एंड हिज मदर इज अ पॉलिश सोशलाइट. और वो क्या है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, जो फादर हैं वो जज हैं और जो मदर हैं वो पॉलिश सोशलाइट है. लता इज ऑल्सो सेट अप विद हरीश हिंदू मैन हु रियली लाइक्स हर एंड होम शी डीम्स टू बी टॉलरेबल बट स्लाइटली बोरिंग. अब जो हरीश है उसे लता भी क्या करती है, पसंद करती है, और लेकिन वो उसे बोरिंग मानती है. ही ओन्स अ थ्राइविंग शू कंपनी. उसकी जो कंपनी है वो एक शू कंपनी है और काफ़ी सक्सेसफुल है. इन द बैकग्राउंड ऑफ लताज मैरिटल डिसीजन इज फोरग्राउंड ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. और जो लता का मैरिज का
स्टोरी चल रही है उसके बैकग्राउंड में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी चल रहे होते हैं. देयर इज ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी थ्रू आउट द कंट्री व्हेन अ मॉस्क इज टू बी बिल्ट नियर हिंदू होली साइट. हिंदू होली साइट के सामने एक मस्जिद बनाई जा रही है और ये एक बहुत बड़ी क्या हो गई है, कॉन्ट्रोवर्सी कर दी गई है या कॉन्ट्रोवर्सी बन गई है. आफ्टर सेवरल राइट्स द प्रोजेक्ट इज एबेंडेंट. जब बहुत सारे राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, और उस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया जाता है, एबेंडेंट कर दिया जाता है. वेरियस फैमिली मेंबर्स आर ऑल्सो कॉट अप इन डिफरेंट पोलिटिकल हैपनिंग्स इंक्लूडिंग द मूवमेंट ऑफ इक्वल राइट्स. तो जो बैकग्राउंड में पॉलिटिकल चीज़ें चल रही है वो कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, इक्वल राइट्स फॉर अनटचेबल, अनटचेबल के लिए इक्वल राइट्स, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट फॉर एकेडमिक फ्रीडम, एकेडमिक फ्रीडम के लिए क्या है, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एंड द एंडिंग ऑफ द जमींदार सिस्टम, जमींदार सिस्टम का एंड करने के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अ सिस्टम दैट फेवर्ड इंडियन एरिस्टोक्रेट्स. विद इन द कपूर फैमिली द मेन कन्फ्लिक्ट इज दैट द यंगेस्ट सन मान कपूर. अब जो कपूर फैमिली है उसमें जो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है वो ये हो गया है कि जो मान कपूर है हैज़ फॉलन इन लव विद एन इनफेमस प्रोस्टिट्यूट नेम्ड साइदाबाई. वो एक प्रोस्टिट्यूट है, साइदाबाई उससे क्या करना शुरू कर देता है, उससे उसे प्यार हो जाता है. एज द सागा कंक्लूड्स लता मेहरा फाइनली मेक्स अ डिसीजन. और जो लता मेहरा है वो फाइनली अपना डिसीजन बना लेती है एंड शी विल नॉट मैरी कबीर. वो क्या कबीर को क्या कर लेती है, रिजेक्ट कर लेती है, उससे शादी नहीं करती है. इंस्टेड शी मैरिज अनदर सुटेबल बॉय. वो एक सुटेबल बॉय से शादी करती है, समवन हु इज गुड इनफ बट नॉट समवन शी इज इन लव विद हरीश. तो हरीश को क्या कर लेती है, सेलेक्ट कर लेती है. तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमने कैरेक्टर कर लिए हैं, स्टोरी कर ली है, पब्लिकेशन डेट्स कर ली हैं, कुछ इवेंट्स जो हैं वो आपके दिमाग में सेट हो चुके होंगे. तो अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कल मिलते हैं हम एक नए स्टोरी के साथ एंड इक्वल म्यूज़िक. और ये जो जो सीरीज चल रही है, कॉन्टीन्यूस चल रही है, पिछले भी मैंने 4 से 6 वर्क अभी रिसेंटली अपलोड किए हैं, उन्हें देखिए और अपनी इंग्लिश को, इंग्लिश लिटरेचर को थोड़ी सी धार दीजिए. हम नियरली 500 वर्क्स की बारे में पढ़ेंगे. तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो डेफिनेटली इसे शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.